बस बस हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक सीधे बैठो सीधे बैठो। रुको रुको, आपसे खून निकल रहा है। फिर भाई हार नहीं मानेंगे, ब्लॉग करेंगे भाई, ब्लॉग आएंगे ठीक है। और पीछे से सीधा ही तीन बंदे आए और उन बंदों ने, दो बंदों ने मेरे हाथ पकड़े और सीधा यहाँ पे ना बोतल फाड़ दी। मम्मा की कॉल आई थी कल, मम्मा भी रोने लग गए फोन पे, ये क्या हो गया तेरे साथ, घर बुला रहे थे, छोड़ दे ब्लॉगिंग वगैरह। मेरे को खुद समझ नहीं आता भाई, कितनी बारी मेरे ऊपर जो है मतलब अटैक वगैरह हो गए, धमकियां वगैरह आ गई भाई, किस लिए यार। और गाइस उन लोगों ने मेरी बाइक जो है वो भी तोड़ दी हुई है, मतलब उसी टाइम मैं काम करा के जावेद भाई की शॉप से वापसी आ रहा था, मेरी बाइक भी तोड़ दी हुई है। सो हे गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोडू से पावा। तो भाई आप सोच रहे होंगे ये क्या हो गया, तो भाई अब आपको क्या बोलूँ भाई, ये बहुत गंदा सीन हो गया भाई। ये बात है भाई 11 तारीख की, आपने पिछले वाले व्लॉग में देखा होगा, जानू भाई ने मेरी बाइक मतलब क्रैश कर दी थी, मतलब उनसे गिर गई थी ठीक है, बाद मेरे से मेरी बाइक खुद ही भी गिर गई हुई थी। उसके बाद मैं जावेद भाई की शॉप पर गया था बाइक का काम कराने, तो भाई मेरे को 7:30 तो वहीं पर बच गए थे ठीक है। उसके बाद ऐसे ही मैं और जावेद भाई थोड़े बैठे थे, थोड़े स्टंट के रिगार्डिंग मैं उनसे पूछ रहा था कि भैया कैसे कैसे स्टंट करने हैं आगे, मतलब क्या क्या मेरे को सीखना पड़ेगा। तो भाई मेरे को भैया समझा रहे थे, तो वहाँ भाई बातें करते करते बच गए 10। तो भाई मैं फिर 10 बजे वहाँ से निकला और मैंने व्लॉग भी वहीं पे एंड कर दिया हुआ था, गोप्रो में बैटरी भी कम थी। और भाई मैं वहाँ से निकला तो जैसे ही मैं जीरकपुर पहुँचा तो वहाँ मैं एक शॉप पे रुका, मैं स्टिंग लेने रुका, आपको पता है मैं स्टिंग कितनी पीता हूँ ठीक है, स्टिंग लेने रुका। तो मैं शॉप पे गया, मैंने हेलमेट वेलमेट उतारा, मैंने स्टिंग वगैरह ली, मैं जैसे ही शॉप के भरा मैं स्टिंग पीने लगा और पीछे से गाड़ी आई ऑल्टो, और भाई मतलब मेरे को उसका नंबर वगैरह कुछ भी नहीं दिखा, देखो सच्ची सी बात है मेरे को दिमाग में ही नहीं है कि भाई उसका नंबर क्या था ठीक है। और भाई उसमें से एक बंदा उतर के आता है, बोल तू बाइक कैसी चला रहा है, मैं कहा भैया क्या हो गया, बोलो भाई तू बाइक ना बहुत ज़्यादा तेज़ चला रहा है, और उस बंदे ने ड्रिंक करी हुई थी। मैं कहा भैया चलो सॉरी मेरी गलती है, उसने बोला क्या सॉरी, चौड़ा होने लगा मेरे को, गंदी गंदी गालियाँ वगैरह देने लगा ठीक है। मैंने बोला मैं कहा भैया गालियाँ क्यों दे रहे हो, और बंदे ने कुछ नहीं सुना, सीधा ही मेरे ऊपर हाथ उठा लिया। और पीछे से सीधा ही तीन बंदे आए और उन बंदों ने, दो बंदों ने मेरे हाथ पकड़े और सीधा यहाँ पे ना बोतल फाड़ दी ठीक है। भाई मेरे को उसके बाद ना मतलब ब्लैंक हो गया कि हुआ क्या, खून ही खून चला हुआ था भाई पूरे फेस से ठीक है। आप हालत देख ही पा रहे होंगे भाई, पूरे 22 टांके लगे यार, पूरे 22 टांके। मेरे को नहीं पता वो बंदे कौन थे, उनकी क्या मतलब मेरे से दुश्मनी थी, मेरे को कुछ भी नहीं पता है। उसके बाद मैंने रॉय को फ़ोन किया, रॉय आया, मैंने राजा भाई को फ़ोन किया, राजा भाई आए भाई, उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में स्टिचेस वगैरह लगे भाई, इतने बुरे हालत हो गए मेरा, मैं क्या बताऊँ। गाइस आपने पिछला वाला व्लॉग देखा होगा, मैंने पहले ही बोला था भाई मेरे को 100K अपने पूरे करने हैं अप्रैल से पहले। और भाई ये सीन हो गया, यहाँ पे भी टांके लगे हुए, यहाँ पे भी टांके लगे हुए, यहाँ पे भी टांके लगे, यहाँ गर्दन में भी टांके लगे हुए भाई, हालत ख़राब हो गई। मेरे को अपनी लाइफ में कभी टांके नहीं लगे भाई, मतलब मेरे को समझ नहीं आता यार, हम मोटो व्लॉगर से दुश्मनी क्या है लोगों को यार, किसका बुरा किया है भाई, मेरे को खुद समझ नहीं आया भाई। मम्मा की कॉल आई थी कल, मम्मा भी रोने लग गए फ़ोन पे, ये क्या हो गया तेरे साथ, घर बुला रहे थे, छोड़ दे व्लॉगिंग वगैरह। मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई, क्यों जलते हो हम लोगों से इतना यार, किसका बुरा करा है हमने यार। और नॉर्मल अपने रूम की ओर आ रहा था भाई, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बोला यार, आपको खुद ही देखा होगा मेरा बिहेव कैसे है, जो भी मेरे से बातचीत करता है मैं उसको आप से ही मतलब उससे बात करता हूँ ठीक है भाई। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा भाई क्यों ये सब हुआ। और भाई देख रहे हो मतलब हेलमेट पहनने लायक नहीं छोड़ा है लोगों ने यार, और मैंने क्या सोचा था भी अप्रैल से पहले जो 100K करूँगा। अब गाइज मैं व्लॉग वगैरह जो है नहीं बना पाऊँगा, मतलब 15 दिन तक तो मेरे को बेड रेस्ट ही है, उसके बाद भी आपको पता है इतने जल्दी से मतलब ये ठीक होने वाला है नहीं है भाई, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा यार, किसका बुरा किया था भाई, हम मोटो व्लॉगर से क्या दुश्मनी है भाई। पीछे से सीधा ही बंदे आए और उन्होंने सीधा ही बोतल मार दी माथे पे, और भाई पूरे 22 टांके लगे यार, मेरे को अपनी लाइफ में कभी एक टांग का भी नहीं लगा भाई। और एक क्या हो गया मेरे साथ यार, मतलब अनएक्सपेक्टेड था जो भी था भाई, मैं ये वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ ताकि ना आगे से किसी मोटो व्लॉगर के साथ ऐसा गलत ना हो ठीक है भाई, जो मेरे साथ हुआ, बहुत सारे मोटो व्लॉगर्स के साथ ऐसा हुआ है बट वो बता नहीं पाते डर के मारे, कुछ शर्म के मारे। भाई मैं ओपनली बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ, हिमाचल से भाई यहाँ चंडीगढ़ में रह रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं भाई, कुछ लोग होते हैं ना जो दूसरों की तरक्की नहीं देख सकते, चिढ़ते हैं लोग कि भाई ये बंदा उठ रहा है, ये क्यों उठ रहा है भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा ये हुआ क्या यार। अब गाइज मेरे को नहीं पता व्लॉग्स आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, फिलहाल तो मेरे को हेलमेट पहनने के लिए मना ही करा हुआ है, बट भाई क्या करूँ मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, अपना चैनल इतना अच्छा चल रहा था बट ये सीन हो गया, अब मैं हेलमेट भी नहीं पहन पा रहा हूँ और ना मैं व्लॉगिंग कर पाऊँगा। गाइज अब क्या करूँ, बहुत गलत सीन हो गया हुआ यार ठीक है। आज उस सीन को हुए 3 दिन हो गए हुए, आज मेरी जो है पट्टी चेंज होनी है, अभी थोड़ी देर में हॉस्पिटल वगैरह जाएंगे, मेरे साथ रॉय दो भाई भी आए हुए चंबा से भाई, बहुत गलत सीन हो गया यार, जो कभी सोचा नहीं था गाइज यार, कसम से भाई मैंने किसका बुरा करा था यार, क्यों हुआ भाई ऐसा, क्यों अटैक किया मेरे ऊपर, मैं जानता भी नहीं था बंदों को भाई।
अगर मैं जानता तब भी मानी थी बात। और बंदे गाइस ड्रिंक करके थे। और गाइस जैसे ये सीन हुआ, मतलब मैं हॉस्पिटल से जैसे ही आया, मैंने पुलिस कंप्लेंट वगैरह जो करवा दी हुई है और बंदों का अभी तक कुछ पता नहीं चला, ठीक है, कौन थे बंदे। भाई बंदे ड्रिंक करके थे। तो भाई मैं कभी किसी को गलत नहीं बोलता हूँ, आपने खुद मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, मैं सबसे आप करके बात करता हूँ, रिस्पेक्ट से बात करता हूँ भाई, ठीक है। मैंने किसी का बुरा नहीं किया भाई। हाँ बाइक में तेज चलाता हूँ मैं, मानता हूँ भाई, बाइक चलाने से लोगों को दिक्कत क्या है यार, मैं स्टंट करता हूँ अपने लिए करता हूँ, ठीक है, मेरा पैशन है ये। फिर भी बंदों को इतनी ज़्यादा दिक्कत है, आपको खुद पता है व्लॉगर से कितनी दिक्कत होती है लोगों को। बट भाई हम ऐसे नहीं है यार, हम अपने एंजॉय के लिए वीडियो बनाते हैं। मैंने अपने व्लॉग्स में कितनी बारी बोला है, हमारी वीडियो को सीरियस मत लिया करो, एंजॉय के लिए हम वीडियोस वगैरह बनाते, ठीक है। गाइस ये आंख देख रहे हो, ये भी नहीं खुल रही है भाई, यहाँ पे ना स्टिचेस लगे हुए, सुबह से ये आंख जो है खुली नहीं रही, और यहाँ पे माथे से नाक तक पूरे स्टिचेस लगे हुए, और यहाँ पे भी स्टिचेस लगे हुए भाई। और भाई इतना ज्यादा खून मेरा वेस्ट हुआ ना, कम से कम 2 से 3 लीटर खून जो है वेस्ट हो गया। पूरे शूज मेरे खराब हो गए हुए, जो हुडी खराब हो गई हुई है, जैकेट खराब हो गया हुआ है, और रॉय मेरे को लेके गया अपनी बाइक पे हॉस्पिटल तक, ठीक है भाई। पूरे मतलब डोमिनार में भी खून ही खून था, चप्पलों में खून ही खून, मतलब बहुत ज्यादा खून वेस्ट हो गया है भाई। और गाइस उन लोगों ने मेरी बाइक जो है वो भी तोड़ दी हुई है, मतलब उसी टाइम मैं काम करा के जावेद भाई की शॉप से वापसी आ रहा था, मेरी बाइक भी तोड़ दी हुई है। अब मुझे नहीं पता भाई मैं कब तक बाइक अपनी जो है ठीक कराऊंगा। भाई बाइक ने क्या बिगाड़ा था यार, बाइक को क्यों तोड़ा भाई, बाइक ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा यार। बाइक मेरे को खुद समझ नहीं आता भाई, कितनी बारी मेरे ऊपर जो है मतलब अटैक वगैरह हो गए, धमकियां वगैरह आ गई हुई भाई, किस लिए यार। भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाइक स्पीड में चलाते हैं पर उनकी स्पीड दिखती नहीं है, मेरी स्पीड दिखती है, तो उस वजह से तुम मेरे साथ ये कर रहे हो। भाई तुम्हारा क्या बिगाड़ा है मैंने यार, क्यों भाई पीछे पड़े हो तुम लोग यार। गाइस सही मैं बता रहा हूँ, अगर उस दिन ना रॉय ने फोन नहीं उठाया होता, एडी भाई ने फोन नहीं उठाया होता, राजा भाई ने फोन नहीं उठाया होता ना, शायद आज मैं आप लोगों के साथ मतलब ये व्लॉग नहीं बना रहा होता भाई। मतलब भाई बहुत गंदा सीन हुआ, आप सोच भी नहीं सकते हो। राजा भाई मेरी इस हालत को देख के रो गए थे, रॉय रो गया था, एडी भाई रो गए थे, इतने बुरे सीन्स थे, अब मैं आपको क्या ही बताऊं भाई। बाकी मैं क्लिप्स ऐड कर दूंगा हॉस्पिटल वाली, जो भी मेरे साथ सीन हुआ आप लोग खुद देख लेना भाई कि क्या हालत थे मेरे। फिर भी भाई मैं हार नहीं मानूंगा, तुम चाहे भाई 100 बारी मेरे को गिरा लो ना, पर भाई मैं हार नहीं मानूंगा। मैं कैसी फैमिली से उठाऊँ मेरे को ही पता है, ठीक है भाई। बहुत बुरा लग रहा है यार कि मतलब ये क्या हुआ भाई, मेरे को ब्लॉक करने लायक नहीं छोड़ा है बंदों ने, बट भाई मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे इस हालत में भी मेरे को व्लॉग बनाने पड़े मैं बनाऊंगा भाई, मैं हार नहीं मानूंगा। तुम लोग जो मर्जी तुम्हारे मन में आता करो भाई, पर मैं हार नहीं मानूंगा भाई, बिल्कुल हार नहीं मानूंगा यार। सो गाइस अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, अभी देख रहे हो भाई जान के लग रहे भाई, हालत खराब है भाई। ये देखो भाई यहाँ पे, फिर भी भाई हार नहीं मानेंगे, व्लॉग करेंगे भाई, व्लॉग आएंगे, ठीक है। टाइम क्या हो रहा है सर, टाइम क्या हो रहा है सर, टाइम बता सकते हैं? 3:51 आप देख रहे हो, अपने वेरियस है ना भाई। फिर भाई हार नहीं मानेंगे भाई, व्लॉग डेली आएंगे भाई। यहाँ पे भी टांके लग रहे, पूरा मतलब फटा हुआ है, देख रहे हो भाई माथे में टांके लग गए हुए भाई। लाइफ में पहली बार हॉस्पिटल आया हूँ, पहली बार टांके लग गया। आपको भाई हॉस्पिटल नहीं आता, आपने खुद भी देखा होगा, इतने सारे मेरे ब्लॉग्स देख लिए, जो बंदे मेरे को डे वन से देख रहे हैं आज तक टांके नहीं लगे भाई। ये देखो यहाँ पे क्या हालत होगी भाई, जैसे ही ठीक होऊंगा ना भाई ब्लॉग आएंगे। ये देखो भाई हालत, कोई चक्कर नहीं भाई, पहले इसको टांके वगैरह लगाते, भी यहाँ पे भी टांके लगने हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब पूरा कटा हुआ है, सर लगा हुआ अभी स्टिचेस वगैरह जो लग गए हुए। अभी टाइम क्या हुआ है, 3:30, कोई चक्कर नहीं भाई, उठेंगे। लो भाई तुम्हारा भाई जो खड़ा उठ गया अभी भी, ठीक है। हार नहीं मानने के भाई, देखो खून ही खून हुआ है अभी ना, मतलब चक्कर जैसे आ रहे हैं। फिर भाई हार नहीं मानने के भाई, ठीक है, हार नहीं मानेंगे भाई, हार मानना नहीं सिखा रोडू से बाबा ने, ठीक है। सो गाइस अभी आ गए हुए हॉस्पिटल से बाहर भाई, अभी स्टिचेस वगैरह जो है लगे हुए। अभी मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, ये देखो भाई 4:48 जो हो गए हुए। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हुए हॉस्पिटल में, अभी मैं आपको टाइम दिखा दूं, तो भाई अभी टाइम हुआ है 3:30 अभी बज गए हुए। अभी यार देख रहे हो, अभी रॉय भी आ गया हुआ है, रॉय के 2 भाई भी आ गए हुए। यही लोग मतलब मेरे को अपनी बाइक में लेके आए, मतलब भाई बैठ भी नहीं पा रहा हूँ बाइक को, मतलब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है।
अभी चलते फटाफट से अंदर हॉस्पिटल। और भाई ना फ़ोन पे फोन्स बज रहे हुए, पता नहीं किस किस के फ़ोन आ रहे हैं। मम्मा का ही फ़ोन है भाई, मम्मा ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अब चलते गए अंदर, देखते क्या रहता है। तो कैसे पहुँच गए हॉस्पिटल में, अंदर चलते हैं, पट्टी पुट्टी कराते हैं जो भी रहता है, ठीक है। गाइस अभी हम आ चुके हैं हॉस्पिटल, और भाई मंजुल भाई को मानना ही पड़ेगा भाई, यार इतने दूर है ना अपने रूम से भाई ये हॉस्पिटल, क्योंकि हमने ये ट्रीटमेंट वगैरह करवाया था। तो गाइस अभी करना पड़ेगा 5 मिनट का वेट अंदर ना, इमरजेंसी में थोड़ी सर्जरी वगैरह चली हुई है, ठीक है। थोड़ा मतलब वेट वगैरह करना पड़ेगा भाई, पेन हो रही है ना, मैं बता नहीं सकता भाई, बट क्या करेगा इस ब्लॉग आएंगे भाई, ठीक है। हार नहीं मानेंगे तुम भाई, जितने मर्जी तुम अटैक कर लो मेरे ऊपर, पर भाई हार नहीं मानूंगा, ठीक है। तो भाई अभी हॉस्पिटल में वेट वगैरह करते, थोड़ा मतलब रोया यार अभी, और दो भाई वगैरह भी इनके आगे हुए थे। और भाई सीन भी पता कब होते, जब मैं अकेले फंसता हूँ, जब ना ग्रुप साथ होता है ना। यार मैं गया हुआ था अपने दोस्त के पास जरा ना, तो फिर वैसे पीछे सीन हो गया, फिर पता भी नहीं लगा। वैसे भी जो पट्टी थी वो सारी मतलब निकल गई हुई है, देखो भाई स्टिचेज यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक लगे हुए हैं। अभी भाई ड्रेसिंग मतलब होनी है फिर से, मतलब मैं तो सोच रहा था कि ऐसे ऊपर नहीं रखूँ इसको, बट मैम ने बोला कि इन्फेक्शन वगैरह हो जाएगा। अभी इसकी ड्रेसिंग वगैरह फिर से कराते हैं और फिर मिलते हैं आपको उसके बाद। तो गैस अभी आ गए हुए तुम्हारे रोडू से बाबा बाहर, अभी भाई मतलब वो ड्रेसिंग वगैरह जो होगी भी है फिर से। भाई देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे, मतलब ये ना छूट गई हुई थी, अभी दोबारा से ड्रेसिंग वगैरह करा लिया। अभी भाई कंटिन्यू हमें ना मतलब 3-4 दिन और आना पड़ेगा यहाँ पे ड्रेसिंग वगैरह करने। बाकी अभी मैं और भी आई रुके हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी रॉय वगैरह जो है राइड पे गए हुए हैं, उनको भी यार अपना व्लॉग निकालना ज़रूरी है भाई, मेरी वजह से किसी और का व्लॉग रुके भाई, ये मैं खुद भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब मेरे को खुद भी अच्छा नहीं लगेगा। तो कैसे भी चलते फटाफट से फ्लैट की, और भी यार यहाँ से हमारे को कैब करनी पड़ेगी, आपको पता है बाइक तो है नहीं, तो कैब करनी पड़ेगी, फिर यहाँ से निकलेंगे। तो गाइस यार अभी ना रॉय ने मेरे को एक सरप्राइज दिया भाई, अब मैं बताऊँ आपको क्या सरप्राइज दिया। ये देखो भाई यहाँ पे भाई 15 प्रो मैक्स लेके आ गया बंदा भाई, कांग्रेचुलेशन ब्रो। थैंक यू भाई। भाई भाई के लिए ना कांग्रेचुलेशन लिखना आप कमेंट में, ठीक है। भाई इस फोन को लेना ना मेरा सपना है गाइस। देखो एक साइड ये वाला फोन है और एक साइड मेरा ये वाला फोन है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई यहाँ पे मैं अभी भी भाई यही एंड्रॉइड चला रहा हूँ, और भाई इस फोन को देख के जो मेरी अभी खुशी है ना अंदर से। गाइस रॉय का ना फोन वगैरह टूट गया था, फिर रॉय ने एकदम से भाई सरप्राइज दिया मेरे को, देख रहे हो भाई 3-3 कैमरे भाई। मेरा ना मतलब ड्रीम है ये फोन लेना भाई। गाइस सही में बता रहा हूँ, मैंने आज तक ना मतलब आईफोन कभी भी नहीं खरीदा है भाई, सही में बता रहा हूँ भाई। इसको पकड़ के जो फील आता है ना कसम से भाई, दिख ही रहा होगा भाई 3-3 कैमरे, मतलब अमीरों वाली फीलिंग यार कसम भाई। मैं ना हंस भी नहीं पा रहा प्रॉपर, मेरा मुंह नहीं खुल रहा प्रॉपर यार। कोई नहीं भाई, आपके लिए ही है यार भाई, बहुत अच्छा लग रहा है आज, मतलब भाई ने आईफोन वगैरह ले लिया। गाइस हम भी आईफोन जल्दी लेंगे भाई, बस 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाए जल्दी आईफोन लेंगे भाई, अपने सारे ड्रीम्स पूरे करने, बस इस टाइम पे आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। और आपको मैं एक बात बताऊँ भाई, जब भी मैं अकेले होता हूँ ना तब ये सीन होते हैं मेरे साथ, मेरे को समझ नहीं आता भाई। जब मैं अकेले होता हूँ भाई, आपने देखा होगा जितने सीन्स मेरे साथ हुए ना, जब मैं अकेले होता हूँ तभी सीन्स होते हैं कसम से यार, बहुत गलत सीन है यार। क्यों बंदों की जलती है भाई, मेरे को समझ नहीं आता यार, बहुत गलत सीन है गाइस। क्यों जलते हो भाई किसी से भाई, हम वो बंदे हैं ना भाई कि किसी बंदे की अगर वीडियो हमारे पास आ जाती है ना, किसी भी बंदे की भाई, सबसे पहले लाइक ही करते हैं भाई। क्यों जलना किसी से यार, मेरे को इतना बुरा लग रहा है ना गाइस कसम से। अभी 100K करने थे हमने, मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में कि भाई 1 लाख सब्सक्राइबर्स अपने जो क्रॉस करने हैं अप्रैल से पहले, क्योंकि अप्रैल में रोडू मेला भी है, बट भाई मेरे को नहीं लगता कि हो पाएंगे यार। क्यों नहीं होंगे यार भाई, कैसी बातें कर रहे हैं, मतलब बुरा लग रहा है, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है गाइस कि हुआ क्या। मैं तो वही बोल रहा हूँ भाई, बस ना एक चीज हुई है कि भाई मतलब कि मोटो ब्लॉग नहीं कर सकते, बाकी हिम्मत नहीं आनी बाबे। इस टाइम पे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है यार, बस आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है इस टाइम पे। मैं ना मतलब हार नहीं मानूंगा, बट भाई ऐसा मतलब हो गया ना कि भाई अब मैं मोटो व्लॉगिंग नहीं कर सकता। आपको खुद पता है मैं एक दिन भी घर पे नहीं रुकता था भाई, व्लॉग करना ही करना है, कुछ ना कुछ करना ही करना है व्लॉग यार। मेरे को खुद से भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है भाई कि ये क्या हो गया भाई। मम्मा को इतना ज्यादा बुरा लग रहा है ना, अभी वीडियो कॉल करी थी थोड़ी देर पहले भाई, मम्मा ना रो गए थे फोन पे, वो ऑब्वियस ही बात है यार। पापा तो बोल रहे थे कि मैं आता हूँ चंडीगढ़, बट गाइस मैंने जो मतलब मैंने बोला था ना भाई 1 लाख सब्सक्राइबर से पहले मैं नहीं आऊँगा भाई हिमाचल में, कदम भी नहीं रखूंगा। 1 लाख सब्सक्राइबर जैसे होंगे मैं फिर हिमाचल आऊँगा, मेरे को नहीं पता भाई कब होंगे, ठीक है। भाई मैं ब्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ, नॉर्मल ब्लॉग ही आएंगे कुछ टाइम तक, बट भाई ब्लॉगिंग करूंगा, चाहे भाई लोगों के पीछे बैठ के मेरे को करने पड़े। सपोर्ट रखना है गाइस आप लोगों ने। अब व्लॉगिंग के चक्कर में ना भाई इतने बंदे दुश्मन बन गए हुए ना, मेरे को समझ नहीं आता क्यों भाई, हम किसका बुरा कर रहे हैं यार। क्या तुम्हारे को हमारी चीज बुरी लग रही है, अगर तुम्हारे को वीडियोस पसंद नहीं आती मत देखो भाई, मत देखा करो, मत भाई। देखो भाई बात सीधी बात करता हूं भाई, अगर 10 सब्सक्राइबर्स भी होंगे ना मेरे, अगर वो 10 व्यूज भी आ रहे ना मेरे को, 10 लाइक भी आ रहे ना, 10 कमेंट भी आ रहे वो मिले बहुत बड़ी बात है, 10 व्यूज भी बहुत है मेरे लिए। मैं गाइस चलो जो मर्जी हो गया, मतलब जो भी हुआ भाई बहुत गलत हुआ, छोड़ो अब मैं इस चीज़ को जो है भूलना चाहता हूँ, बहुत गंदा सीन था ये जो भी था, ठीक है। बाकी भी ऐसा है 15-20 दिन मेरे को रिकवरी में लगेंगे, तब तक मैं ऐसी नॉर्मल व्लॉग्स वगैरह करूँगा भाइयों के पीछे बैठ के,
क्योंकि मेरी बाइक रुकना नहीं है। बाकी गाइस अभी मेरी बाइक जो है अभी रॉय गया था देखने, मेरी बाइक की भी हालत खराब है, मेरी बाइक भी उन्होंने तोड़ी हुई है, मतलब लात वगैरह मार दी थी उसमें, मेरी बाइक की भी उन्होंने हालत खराब करी है, मतलब फेयरिंग वगैरह तोड़ी है मैंने, रॉय ने लगा दी हुई है वो अभी साइड में, क्या बोलूं भाई, मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है।